ये जेट कार्ट्रिज है, और आज हम आपको एक कैमियो प्लॉटर का नया एप्लीकेशन दिखाएंगे कि आप अगर गिफ्टिंग शॉप में हैं तो आप बेसिकली लोग जो ट्रॉफी वगैरह या इस तरह से ग्लास में नाम या कंपनी का लोगो वगैरह जो करते हैं, इस तरह से ट्रॉफी वगैरह में जो इचिंग करते हैं लेजर एंग्रेविंग मशीन से, तो ये हर किसी के पास में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। लोग बाहर से जॉब करा के दे देते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये कैमियो प्लॉटर से आप किस तरह से ये इचिंग कर सकते हैं विदाउट लेजर एंग्रेवर, और आप कर सकते हैं आप ट्रॉफी या कॉर्पोरेट कंपनी के लिए ग्लास के ऊपर नाम, या कोई गिफ्टिंग के लिए ग्लास के ऊपर नाम वगैरह, इस तरह से आप जो है वो ग्लास के ऊपर भी नाम डाल सकते हैं बेसिकली। तो ये कैसे होता है हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए हमारे पास एक कटिंग विनाइल है, जो बेसिकली हम लोग इसको कटिंग विनाइल बोलते हैं फॉर दिस एप्लीकेशन, क्या बोलते हैं इसका, ग्लास के ऊपर इचिंग एप्लीकेशन के लिए। और इसके अलावा एक मास्किंग टेप का आपको रोल लेना होगा, करीबन ये 500 रुपये का, 50 मीटर का रोल है, 9 इंच का है ये। जैसा चाहिए वैसा आप काट के इसको ले सकते हैं बेसिकली। और ये कैमियो का सिलहुट का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आपको आपकी डिज़ाइन को ओपन करना होता है, और सिलेक्ट करके आपकी डिज़ाइन को सिलेक्ट करके आप इस तरह से कटिंग मार्क दे के, कटिंग मार्क की बेसिकली ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रिंट नहीं है, खाली कटिंग करना है, तो कटिंग एरिया सिलेक्ट करना होता है आपको। और इस तरह से आप जो है वो कटिंग सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंड में जाके इसको सेंड करेंगे, तो ये आपको बेसिकली कट करके दे देगा आपको। तो हम दिखाएंगे आपको बेसिकली ये कैमियो का, अभी हम लोड करने जा रहे हैं ये कटिंग शीट जो स्पेशली फॉर इसके लिए है ये। इस तरह से आपको लोड करना है, ये दोनों रोलर को आपको ध्यान से देखना है कि दोनों रोलर के वहाँ पे आपकी सीट परफेक्ट आनी चाहिए, और फिर यहाँ पे लोड ऑप्शन दबाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको रिपीट जॉब का भी ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी विनाइल को कट करके रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बनता है और ये लगाने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होता है। और ये लगाने के टाइम पे आपको बेसिकली ध्यान ये देना है कि ये जो इसके एजिस है, एजिस आपके परफेक्टली लगने चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ से ये खुला रह जाएगा तो आपका जो इचिंग क्रीम है वो साइड में भी चला जाएगा और स्प्रेड हो सकता है आपका जो डिज़ाइन है वो। अभी यहाँ पे कुछ भी इचिंग नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और इचिंग होने के बाद में इस तरह से आप जो है वो नाम आपको इम्प्रेस हो जाएगा। तो ये बेसिकली अभी इचिंग नहीं हुआ है, बट इसकी जो एजिस है वो आपको परफेक्टली इसको स्क्वीजी से इसको दबानी है विनाइल को काटिंग करके, ताकि साइड में जो इचिंग क्रीम है वो नहीं चली जाए, ये आपको ध्यान देना है बेसिकली। अभी यहाँ हमने रिपीट जॉब दबाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इसके मेमोरी में है ये जॉब जो आपको दिखाया मैंने। तो ये इस तरह से रिपीट जॉब देने के बाद में ये कैमियो काटेगा। अभी आप देख सकते हैं कि कटिंग यहाँ पे हो गया है, बेसिकली जो भी हमने डिज़ाइन कटिंग के लिए दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे कट हो चुका है डिज़ाइन। और अभी इसको हम अनलोड करेंगे। इस तरह से अनलोड करने से आपका जो है वो डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे कट के आ जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से आपको डिज़ाइन निकालना होता है। ये रिमूव करना है आपको, और इसको मास्किंग टेप लगा के यहाँ पे आप इस तरह से लगा सकते हैं, आप मास्किंग टेप के जरिए यहाँ आप लगा सकते हैं।
आपको रिपीट जो है वो बेसिकली काम आ जाएगा, और इस तरह से आप कंपनी का लोगो या कुछ भी गिफ्ट या आपका ट्रॉफी वगैरह आप लगा के दे सकते हैं। थैंक यू। हाँ, ये हमारे गेम मुझे